चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये सिंप्लीफिकेशन का अगला क्लास 86 नंबर। चार अंकीय सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? आप लास्ट क्लास में पढ़े थे कि पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो उसका एक रिमाइंडर आपको देते हैं। जैसे याद करिए कि चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1024 आया था, 32 का स्क्वायर होता है 1024। चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 9801 आया था, 9801। यह भी आपको याद करने के लिए बोला गया था। और फिर बोला गया था पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 99856, 99856 आया था। तो ये हम लोग बेसिक से भी देखे थे और आपको जो है जल्दी में कैसे बनेगा वो भी देखे और पॉइंट आपको नोट करा गया ताकि याद रखेंगे। आज देखिए चार ये क्यूब नंबर पर आ गया, यहां पर है ना, सबसे बड़ी बात है ये क्यूब नंबर। अब जब क्यूब नंबर बोलता है तो इसका अर्थ होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यही शेप होता है क्यूब नंबर का। जैसे आप अगर 2 × 2 × 2 लिखते हैं तो ये आपका जो है ना एक क्यूब नंबर बन जाता है, और जब क्यूब नंबर बनता है तो इसी का अगर क्यूब रूट लिखते हैं तो फिर यहां पर 2 आता है, क्यूब रूट ऑफ 82। आज क्वेश्चन है कि चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। बोले चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है, और जिस प्रकार स्क्वायर रूट निकालने का एक डिवीजन मेथड होता है और फैक्टर मेथड होता है, दो दो मेथड होता है, लेकिन ये जो क्यूब नंबर है इसके लिए क्यूब रूट का एक ही मेथड होता है और वो फैक्टर मेथड होता है, उसका कोई डिवीजन मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से जब हम क्लियर करेंगे कि चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है तो अंदाज से सोचेंगे। अब बोलिए ये आप जब इसके करीब जाना चाहेंगे तो फिल करिए कि अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512 बनता है, 9 का क्यूब करते हैं 729 बनता है, और इसके आगे जब आप 10 का क्यूब करते हैं ऐसा तो ये आपका 1000 बनता है। इसका अर्थ क्या निकला कि चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या आपका यही है, क्योंकि चार अंकों की सबसे छोटी ये है और ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन भी जाता है। क्योंकि देखिए 10 × 10 और × 10 जब करते हैं ना तो ये चार अंक का पहला नंबर आया है और ये क्यूब नंबर भी होता है। इसलिए आप 86 के लिए आंसर जब देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा जो आपको बोले 1000, 1000 में आप आंसर लगा लीजिए 1000 में। ठीक है 86। चलिए अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर, इसमें तो कोई बड़ा बात ही नहीं था। चलिए 87, चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। बोले चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या लेना पड़ेगा, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होता है, इसके करीब आपको जाना पड़ेगा क्यूब में। तो बोले इसके लिए क्या है, एक अंदाज लीजिए कि 20 का क्यूब अगर करते हैं तो 8000 होता है, जब हम 21 का क्यूब करते हैं तो 9261 होता है, 9261 जो इसके करीब आ गया। बोले अगर आप इस जगह पर अब 22 का क्यूब करेंगे तो ये आपको 5 अंक का नंबर बन जाएगा, 22 का क्यूब 5 अंक का, हम दिखा भी देते हैं ये 5 अंक का। बोले 22 का क्यूब 5 अंक का जो होगा तो वो होता कितना है, 22 का स्क्वायर आपको 484 होता है, 84 के अनुसार देखिए 484। इसी में एक बार जब 22 से आप गुणा करेंगे ऐसा तो क्या हो जाएगा, 248 हो गया और 96 हो गया, फिर 96 ऐसा होगा। देखिए 5 अंक का रिजल्ट आ गया ना, हम लोग को इससे मतलब है 9, 6, 15, 16 ऐसा करके, तो ये तो 5 अंक हो गया ऐसा, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और यहां से बता दिए कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक पॉइंट आज फिर से नोट कर लीजिए कि चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या 9261 होती है, चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या 9261 होती है, ये आपको याद रखना। बोले आपसे हम बोले थे कि 1 से लेकर 25 तक का क्यूब वैल्यू याद रखिए, अगर 1 से 25 तक का क्यूब वैल्यू याद रखेंगे तो आपको अपने आप ये याद रहेगा और इससे ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना बिल्कुल जरूरी है यहां पर। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर जो 88 है। बोला कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बोलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है अगर बोलता है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होता है, और वो नियम कानून कौन सा होता है, तो जब आप यहां से फिल करिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, यूनिट केवल हम लिख रहे हैं ऐसे, 4 का स्क्वायर 16 से 6 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 से 5 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36 से 6 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 से 9, 8 का स्क्वायर 64 से 4 ऐसा। अर्थ क्या निकला, और 0 का स्क्वायर से आपका 0, ये चीज तो मीनिंग है जब आप किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट पर जो है आपको ये सब मान आता है। ठीक है, ये 0
डबल जीरो लेकर बनता है, इसलिए उस जगह पर हम लोग जीरो जब भी आते हैं यूनिट के साथ एक कंडीशन होगा कि टेन प्लेस पर भी जीरो आना चाहिए। इसलिए आप यहां से अगर गौर से देखें तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको जो नंबर प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या, उसमें यूनिट पर ये 2, 3, 7, 8 जो है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहां से गौर से देख लीजिए इसमें कहीं 2, 3, 7, 8 नहीं है ना यहां से यहां तक में। तो ये पॉइंट पहले लिख लीजिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, लिखे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको एक पॉइंट याद हो गया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये जो दिख रहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, नेवर पॉसिबल। ओके, आज क्वेश्चन आपको ऐसे लिख करके दिखा रहा है इस प्रकार से, और बोला है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे तो बोले अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है पूछा है, तो आप अब यूनिट पर ध्यान देंगे। बोले ये 7 है, हम आपको अलग कलर से दिखा देते हैं ऐसे, ये 7 है, ये 8 है, ये 3 है, तो पॉसिबल नहीं होगा, और यहां पर 1 है इसलिए ये पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 हो सकता है, है ना। 9 का स्क्वायर 81 से 1 आता है, 1 का स्क्वायर से 1 आता है, इसीलिए ये चीज। तो आप समझ गए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, यहां 2, 3, 7, 8 ये सब जो दिख रहा है इसलिए पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। फिर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। बोले वहां बोला हो सकती है, अभी बोल दिया नहीं हो सकती है, नियम थोड़े बदलेगा, नियम तो वही होगा कि यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 अगर है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है, और अगर वो नहीं है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। बोले आज इसके लिए क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है, फिर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है, फिर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है, फिर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है। तो हमारा अटेंशन तो यही है कि इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहां पर 2 है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, और बाकी ये सभी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो बोला कि कौन सा नहीं हो सकता है, इसीलिए आप जो आंसर देंगे वो यही वाला, क्योंकि इस संख्या में इकाई पर अगर 2 दिख रहा है तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता है। चलिए अब हम आते हैं 9 के बाद 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन, उसी को थोड़ा और एनलार्ज कर दिया, और ये जो है SBI PO में सबसे पहली बार पूछा गया था, ये PO का क्वेश्चन है, और कहां पर, तो SBI में। क्या बोला क्वेश्चन कि 3 अंकों की विषम संख्या का वर्ग प्राप्त करने पर कुछ अंक जो मिटा है उसको क्रॉस के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि 3 अंक का जब आप नंबर लेते हैं, 3 अंकीय संख्या, और इसी संख्या का आप वर्ग करते हैं, तो यहां जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या क्या कंडीशन मेंटेन होगा। 3 अंकीय और यहां पर विषम बोला था, इसलिए थोड़ा सा आगे और सही लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर बोला था, है ना, विषम का वर्ग किया गया था ऐसे। तो अब फिल करिए कि 3 अंक का नंबर अगर आप विषम लिए थे तो इसका अर्थ तो है कि आप 101 से लेकर 999 तक लिए थे मैक्सिमम। तो 3 अंक का विषम संख्या मिनिमम और मैक्सिमम तो यही है, आप इसी में से बीच में से किसी एक नंबर को लेकर वर्ग किए थे ना, तो 3 अंक के संख्या का इसका जब वर्ग होगा तो उसमें 5 अंक आएगा, इसका जब वर्ग होगा तो उसमें 6 अंक आएगा, क्योंकि एक नियम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि 3 अंक के संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट में जो है 3 × 2 मीनिंग 6 अंक हो सकता है, और 1 कम कर दीजिए या में 5 अंक भी हो सकता है। नंबर छोटा लेंगे तो 5 अंक होगा, नंबर बढ़ा लेंगे तो 6 अंक होगा। बोलिए एक जानकारी से आप पढ़िए कि 3 अंक के किसी भी नंबर का वर्ग अगर वो किया होगा तो रिजल्ट में आइदर 5 अंक होगा और 6 अंक होगा, न तो 5 से कम न तो 6 से ज्यादा। पढ़िए यहां पर 3, 3, 6, 1, 7 अंक है, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 अंक है। फिर पढ़िए यहां पर 4 ही अंक है, ये भी नहीं होगा, और ये तीनों हो सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट आप पढ़े हुए हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट प्लेस पर मालूम है, अभी तो पढ़े थे 2
तीन, सात और आठ ये नहीं होगा। तो बोले अगर ये चार अंक नहीं होगा तो इसका अर्थ वहां पर आपको देखना है कि इस जगह पर अगर दो लिख दिया तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, और यहां पर अगर पूर्णवर्ती तीन भी नहीं होगा तो ये भी तीन लिखा नहीं हो पाएगा। तो बोले अब तो ये पांच ऑप्शन में चार रिजेक्ट हो गया, तो हम इतने ही जानकारी से फिलहाल नन ऑफ दिस नहीं है तो ये आंसर कर दिए, दिस इज योर राइट आंसर ओके। लेकिन यहां पर एक जानकारी और आपको चाहिए जो इसमें नियमता लगाना चाहिए। आप यहां से क्या किए, विषम का वर्ग किए हैं, विषम का वर्ग। तो बोले किसी ऑड का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो रिजल्ट ऑड ही होगा, इसलिए विषम का वर्ग करने पर रिजल्ट विषम होता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं एग्जांपल से, एक का स्क्वायर एक और नौ, तीन का स्क्वायर नौ, तो विषम का वर्ग विषम होता है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या कंसेप्ट आ गया कि तीन अंक के किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो रिजल्ट में पांच अंक या छह अंक आएगा, तीन दुना छह एक कम कर दीजिए, पांच अंक या छह अंक। विषम का वर्ग करेंगे रिजल्ट विषम होगा, और पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर दो तीन सात आठ नहीं होगा। इतनी ही जानकारी से आप जो है पांच ऑप्शन में चार को रिजेक्ट कर देंगे, एक जो बचेगा वो रिजेक्ट नहीं होगा और वही आपका आंसर हो सकता है। तो चलिए 90 के बाद कमिंग टू 91 बोल रहा है कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक नोट आप लिख लीजिए कि किसी भी पूर्ण घन संख्या के इकाई स्थान पर जीरो से लेकर नौ तक का सभी अंक पॉसिबल है। आपको हम क्या बोले, किसी भी पूर्ण घन संख्या से, है ना, तो आप देख सकते, देखिए जीरो का क्यूब करेंगे यूनिट पर जीरो आएगा, एक का क्यूब करेंगे यूनिट पर एक आएगा, दो का क्यूब करेंगे आठ आएगा, यूनिट केवल हम लिख रहे हैं ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप जो है तीन का क्यूब करेंगे 27 का सात होगा, चार का क्यूब करेंगे 64 का चार होगा, पांच का क्यूब करेंगे 125 का पांच होगा, छह का क्यूब करेंगे 216 का छह होगा, सात का क्यूब करेंगे 343 का तीन होगा, आठ का क्यूब करेंगे 512 का दो होगा, नौ का क्यूब करेंगे 729 का नौ होगा। बोलिए आप जीरो से लेकर नौ तक के सारे अंक का क्यूब कर दिए तो यूनिट पर क्या क्या आया देख लीजिए, जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, सब तो आ गया। इसीलिए एक पॉइंट आपको हम लिखा दिए, फिर से सुन लीजिए कि किसी भी संख्या का अगर हम पूर्ण घन निकालेंगे क्यूब निकालेंगे तो यूनिट पर कोई भी अंक पॉसिबल हो सकता है, जीरो से लेकर नौ तक का सभी अंक। इसलिए आज इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल डिजिट्स फ्रॉम जीरो टू नाइन, दिस इज योर परफेक्ट आंसर ओके। चलिए नाउ कम टू 92 में क्वेश्चन बोला कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में न्यूनतम क्या माइनस कर दिया जाए कि रिजल्ट पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको अभी तो देखिए ये अपने आई क्यू से बना लेंगे, और आपका आई क्यू क्या कहता है, बोले चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको हम लिखाए हुए हैं 9801 9800 का स्क्वायर होता है। बोले चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अगर 980 है ना, तो क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो है ना सबसे बड़ी संख्या, तो बोले चार अंकों की सबसे बड़ी होता कौन है 9999 ऐसा, तो वही बोल रहा है कि इसमें कितना घटा दे कि ये बन जाए। तो बोले नौ में एक गया आठ, ये नौ और ये ऐसा, मीनिंग हम आंसर दे दिए इस मेथड से कि इतना घटाया जाए। आंसर 198 आंसर हो गया, ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए लेकिन हम लोग इस जगह पर यह काम नहीं करते, मैंने करेंगे यही काम एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जानकारी के लिए अभी क्लासरूम में क्या सीखना है वो देखिए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिए बाय डिविजन मैथड, तो यहां से 9 से 9 चांस लगेगा। चलिए स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड फिर से देख लीजिए कि 9 से 9 चांस लगेगा, 81 होगा 18 बचेगा, ये 9 9 ड्रॉप होगा, ये 9 इसमें ऐड होगा 18 बन गया, फिर यहां पे 9 चांस लगेगा मैक्सिमम, तो यहां पर 1701 आ गया, अब घटा दिए तो 198 हो गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर जीरो बचता तो अर्थ होता कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन रिमाइंडर अगर जीरो नहीं बचा है तो आपको जो है क्या घटाया जाए बोला है ना, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके लिए हम एक सेंटेंस अभी लिखाएंगे कि जब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या किसी भी संख्या में क्या न्यूनतम घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बने, तो जो आपका स्क्वायर रूट निकालने पर रिमाइंडर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो चलिए एक नोट लिख लीजिए, हमारा आंसर आ गया 198 और इसके लिए नोट लिखिए, किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए,
किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे सभी प्रश्नों में दी गई संख्या का वर्गमूल निकालकर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही घटाया जाता है। तो चलिए किसी भी नंबर में न्यूनतम क्या घटाया जाए, क्वेश्चन देगा क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, किससे गुणा किया जाए, किससे भाग दिया जाए, चार तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस दोनों का आंसर एक ही होगा, इस दोनों में आंसर बदलेगा और मेथड भी बदलेगा। जब बोलता है कि न्यूनतम क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बने, तो आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही घटाया जाए। एकदम याद कर लीजिए, रिमाइंडर आएगा वही घटाया जाए, कब, जब न्यूनतम क्या घटाया जाए बोलेगा तो। ठीक है, चलिए 93। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ा जाए, देखिए यहां पर जो बोले ना पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कुछ नहीं देंगे। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बने, तो पहले तीन से यहां पर तीन चांस लगेगा, नौ बनेगा, एक सौ होगा, तीन यहां पर आएगा छह, एक चांस और लगेगा 61, यहां पे रिमाइंडर 39। बोले अगर आपसे क्वेश्चन क्या घटाया जाए बोलता तो हम आंसर दे देते 39, क्योंकि जब भी घटाया जाए बोलेगा तो ये रिमाइंडर ही इसका आंसर होगा। लेकिन अभी आंसर ये नहीं होगा क्योंकि घटाया जाए ऐसा नहीं बोला, बोला है क्या जोड़ा जाए। तो फिल करिए कि आपका भागफल कोशेंट 31 आया है, लेकिन 31 आपका आया और ये रिमाइंडर छोड़ दिया, मीनिंग है ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, तो इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा जो इस 31 से एक ज्यादा का स्क्वायर होगा, मीनिंग है 32 का स्क्वायर होगा, और 32 का स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो 1024 होगा, मीनिंग है 1000 में आप क्या जोड़ेंगे ताकि वो 1024 बने, तो आप लिखेंगे कि 24 जोड़ा जाए। तो चलिए ये इस प्रकार से आप आराम से डील कर सकते हैं। लेकिन देखिए बना तो दिए, एक बार पॉइंट हम लिखा भी देते हैं कि किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और जो कोशेंट प्राप्त होता है मीन्स भागफल, उससे एक जोड़ करके जो नंबर प्राप्त होगा उसका स्क्वायर लेते हैं और तब डिफरेंस लेते हैं। लेकिन हम लोग इसमें यह काम नहीं करते हैं और इसको और जल्दी में बनाने के लिए अब आपको इस जगह पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। देखिए अगर क्या घटाया जाए बोलता तो हम ये काम कर लेते जितना अभी आपको समझाया गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो बोला कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दैट नंबर सो दैट द रिजल्ट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब दिमाग में पहले बैठा लें क्या घटाया जाए, पूरा भाग लगाएंगे, रिमाइंडर निकालेंगे मैंने स्क्वायर रूट और वही आंसर है। लेकिन बोलेगा क्या जोड़ा जाए, तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन अंत में अंतिम स्टेप में थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, एक चांस बड़ा लगा दीजिएगा। क्या बोले, आज यहां पर एक लग रहा है लेकिन जोड़ने वाला प्रश्न है, लगेगा एक चांस, हम लगा देंगे वहां पर दो चांस। बोले दो जैसे ही लगा देंगे ना तो आपको यहां पर आएगा 124, और बोलिए इसका अंतर कितना दिख रहा है 24, मीनिंग है इतना जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें 24 जोड़ा जाए। तो चलिए इसका राइट सॉल्यूशन ये है, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर जो 94 नंबर है। क्वेश्चन बोला कि देखिए यहां पर 3227 ऐसा एक नंबर दे दिया है, क्या, तो 3227 इसमें न्यूनतम क्या घटाया जाए, पुरानी बात है ना, क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और घटाया जाए बोला तो मन में तो बैठ गया रिमाइंडर ही आंसर देंगे, तो चलिए यहां पर क्या होगा क्या घटाया जाए, तो बोले फिर इस प्रकार से ऐसे, इसके लिए पांच से पांच चांस लगेगा जो 25 बनेगा और यहां पर 7 हो जाएगा, फिर 27 ड्रॉप होगा, वो पांच इसमें ऐड होगा, 10 बनेगा। अब यहां पर 6 चांस लग सकता है, 7 तो नहीं लगेगा, तो घटाने वाला है, तो जेन्युइन चांस लगाएंगे, 6 चांस लगाएंगे, 636 होगा। अब यहां पर 7 में 6 गया 1, 12 में से 3 गया 9, ये हमारा जो रिमाइंडर बचा है यही इसका आंसर हो जाएगा। मीनिंग है इस जगह पर लिखेंगे कि 91 घटाया जाए। चलिए 94 का आंसर देख लीजिए, 91 घटाया जाए, 94 का आंसर 91 घटाया जाए, बिल्कुल सही है, 91 घटाया जाए। चलिए तो एक चांस घटाने वाले में जेन्युइन चांस लगाना जो रिमाइंडर आएगा दैट मस्ट बी द फाइनल आंसर, लेकिन अगर आपको जोड़ने वाला प्रश्न बोलेगा तो अंत में एक चांस ज्यादा लगा देना है और उसके
डिफरेंस से ही आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए 94 के बाद 95 को देख लीजिए। आज यहां पर क्वेश्चन बोला कि 540 को न्यूनतम किससे गुणा किया जाए। बोलिए माइनस प्लस पढ़ चुके अब गुणा का बात उठ चुका, तो ये पढ़ने जा रहे हैं। 540 को न्यूनतम किससे गुणा किया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 540 को बोलिए पूर्ण वर्ग तक का तो एक ही पहचान है कि सेम नंबर दो बार आना चाहिए तभी स्क्वायर नंबर बनता है, ये दिमाग में आपको रखना है। तो बोले इसका बेसिक रूल ये होता है कि आप जो है ना 540 लिखते हैं और इसको इस प्रकार से फैक्टराइज करते जाते हैं। तो बोले दो से कटता है 270 बार में, फिर दो से कटता है 135 बार में, फिर तीन से कटता है 45 बार में, फिर तीन से कटता है 15 बार में, फिर तीन से कटता है 5 बार में, फिर 5 से कटता है 1 बार में। तब यहां से आप पेयर करते हैं तो ये दोनों पेयर दिखता है और ये अनपेयर दिखता है। तो इसके लिए एक अपने मन से लाते हैं, इसके लिए एक अपने मन से लाते हैं और यही आपका जो है 15 जो है फाइनली आंसर होता है। मीनिंग है 15 से गुणा किया जाए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? 15 से गुणा किया जाए। क्या किए थे? पहले इसको फैक्टराइज किए और पेयर में जो है वो तो स्क्वायर बनने दे रहा है क्योंकि यही सिस्टम है, ये स्क्वायर बनने दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये और ये अकेला है डिस्टर्ब कर रहा है। एक तीन ले आएंगे पेयर हो गया, एक पांच ले आएंगे पेयर हो गया, 15 से गुणा कर देना पड़ेगा। राइट, बोले अगर आपको दिखा दे 15 से इसको जैसे गुणा करेंगे तो ये 8100 होता है और ये 90 का स्क्वायर होता है, मीनिंग है 90 ऐसे, तो जांच भी हो गया, इसलिए इस जगह पर ऐसा। लेकिन देखिए आपको ये काम करना नहीं है, ये तो डिटेल्स हम दिखा है। आपको क्या करना है, देखिए वर्बल आंसर देना है, ये सीखेंगे। हॉट ट्रिक दे रहे हैं, यहां पर लिखते हैं हॉट ट्रिक। देखिए हॉट ट्रिक कैसा है, ट्रिक तो होता ही है, ये हॉट ट्रिक है क्योंकि लिखना भी नहीं पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर नंबर से काटते जाएंगे। बोले मन में मेरा है कि 9 से काटेंगे, 9 से ये कट जाता है 60 टाइम्स में, 9 से कट जाता है 60 टाइम्स में। अगर 9 से 60 बार में कटा तो 60 को फिर 4 से काटेंगे 15 टाइम्स में और फिर 15 आपका नहीं कटेगा तो वही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहां से अब आपको लिख के भी दिखा दे देंगे। इसको जब भी कैंसिल करेंगे तो किसी स्क्वायर नंबर से काटना है, तो चलिए 9 से काटेंगे 60 बार में, हटा दीजिए ये स्क्वायर नंबर था। इसको फिर काटेंगे 4 से, जो एक स्क्वायर नंबर है इसको काट रहा है 15 बार में, और तब यही 15 जो है अब किसी स्क्वायर से नहीं कटेगा तो आपको 15 से गुणा करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। तो बस इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से डील कर लेंगे। आज अगर भाग देने भी बोले ना तो यही काम आपको करना पड़ेगा, भाग देने में भी सेम सिस्टम लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा हो ही गया, इसके आगे अगला प्रश्न। आज यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1280 को न्यूनतम किससे भाग दिया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। बोले 1280 को न्यूनतम किससे भाग दिया जाए। बोले हम आपसे बोले कि जो नियम गुणा में है जो वही नियम भाग में है, एक क्वेश्चन के लिए गुणा का जो उत्तर होगा वही भाग का भी उत्तर होगा। बोले यहां पर 1280 अगर है तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, गुणा भाग का सेम नियम है। बोले किसी स्क्वायर से काटना है, हमारे मन में 64 आ गया, 64 से ये 20 बार में कटता है, 64 एक स्क्वायर नंबर है, चलिए 20 को 4 एक स्क्वायर नंबर काटेगा कितने बार में, तो 5 बार में ऐसा। अब 5 को कोई स्क्वायर नहीं काटेगा तो यही 5 से भाग देना पड़ेगा, अगर गुणा भी बोलता तो इसी 5 से आपको गुणा करना पड़ता। बोलिए अगर आप 1280 को 5 से भाग लगाएंगे तो क्या बनता है, देखिए 5 दुना 10, 5 5 25, 5 6 30, और ये 256 क्या है, पूर्ण वर्ग है 16 गुना 16 से ऐसे, इसीलिए जांच के भी दिखा दिए। आप सीधे याद रखें कि जब भी गुणा और भाग का प्रश्न बोले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्वायर नंबर से ही काटना है, जो नजर आपको आ जाए, 64 नजर नहीं आएगा तो बोले 1280 के लिए आपको जो नजर आएगा कोई भी स्क्वायर बोलिए, 4 से कटेगा ना तो 4 ही से काटिएगा, कितने बार में, तो 4 3 12 ऐसा हो गया, फिर ये 16 से कट रहा है या आपको 4 से लगे तो 4 ही से, 16 से लगे तो 16 से कट गया, फिर ये 20 जो है किसी स्क्वायर से तो 4 से कट रहा है कितने बार में, तो 5 बार में ऐसा, अब नहीं कटा तो यही आपके प्रश्न का आंसर। इसीलिए जब भी इसको कैंसिल करेंगे तो किसी भी स्क्वायर नंबर से ही कैंसिल कर देना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।